में से दो चार्ट्स कंपेयर कर सकते हैं, एक टीसीआई और एक ऑल कार्गो, दोनों लॉजिस्टिक सेक्टर के हैं, बढ़िया कंपनीज हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट पे कैसे दिख रहे हैं? टीसीआई वर्सेस ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ का चार्ट टीसीएस का 672 है। मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे चार्ट देखूँ तो इस चार्ट पे तो कुछ खास थी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। दूसरा स्टॉक क्या था? ऑल कार्गो, ALLCARGO। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, राइट। जी। ये चल रहा है 416 के आसपास। और अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टॉक जो है, यहाँ से अगर हम देखेंगे, भाई दोनों में से मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का ही है, तो टीसीआई हो चाहे ऑल कार्गो हो। हाँ जी देखिए, अगर इसकी बात करेंगे ऑल कार्गो की, तो ऑल कार्गो जो है अभी इसने फिलहाल अप ट्रेंड लाइन का ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से देखेंगे अप ट्रेंड लाइन है, उसका सपोर्ट ले लिया, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ज्यादा बेटर है टीसीए से। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल चार्ट पे, तो ये अगर आप जी बाय करेंगे 416-17 के आसपास, तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 435 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और फिर अगर ये फिर निकलता है 440 के ऊपर, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अभी तो 435 लग रहा है मुझे, यहीं से एक बाय कर देंगे। और जब ये 445 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें बहुत बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ इस स्टॉक में कुछ और भी चीजें देखने को मिली है, वो ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, मैं इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी तेजी है एक्चुअल में। रीजन उसका क्या है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और रेजिस्टेंस के बाद उसने ब्रेक, दो बार ब्रेकआउट फेलियर दिया है, और इस बार लग रहा है कि ये ब्रेकआउट काम करेगा और इसमें बड़ी तेजी आएगी। तो मेरे ये स्टॉक ज्यादा बेटर है देन जो आपने दूसरा स्टॉक बताया। टीसीए, टीसीए से।